हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और आज हम इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो जब बात करते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, तो उसमें सबसे पहले हमें कंसीडर करना होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, यानी चुंबकीय के गुणों के। तो कुछ बेसिक गुण हैं जो हमने अभी पिछली वीडियो में देखे थे, उन्हें देख लेते हैं जरा। कि दे हैव टू परमानेंट पोल्स, नेमली नॉर्थ एंड साउथ, एंड पोल्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड। यानी उनके दो स्थायी ध्रुव हैं, उत्तर और दक्षिणी, और ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है। फिर क्या कहता है बच्चों, ये लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यानी समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर क्या कहता है बच्चों, व्हेन ए मैग्नेट इज कट इनटू पीसेस, दे विल बिहेव लाइक सेपरेट मैग्नेट्स विद सेम प्रॉपर्टी बट लेसर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू होल मैग्नेट। यानी जब चुंबक को दो टुकड़ों में काटा जाता है तो वह समान गुण वाले लेकिन पूरे चुंबक की तुलना में कम चुंबकीय शक्ति वाले अलग अलग चुंबकों की तरह व्यवहार करते हैं। फिर आखिरी में क्या कहता है बच्चों, द फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट विल अलाइन इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। यानी स्वतंत्र रूप से लटका हुआ बार चुंबक भौगोलिक नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण दिशा में संरेखित होगा। फिर क्या कहता है बच्चों, ये व्हेन मैग्नेट इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिकल डैमेज लाइक फॉलिंग ऑन ए हार्ड सरफेस, हीटिंग, पीलिंग, हैमरिंग, दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यानी जब चुंबक को यांत्रिक क्षति होती है, यानी कठोर सतह पर गिराना, गर्म करना, जमा होना, ठंडा करना यानी कि हथौड़ा मारना आदि, तो वह अपने चुंबक के गुण खो देता है। फिर क्या कहता है बच्चों, मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन लाइक सब्सटेंसेस, आयरन, कॉपर, निकल एक्सेट्रा। यानी चुंबक लोहे जैसे जो पदार्थ हैं उनको आकर्षित करता है। फिर है डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन वी हैव डम्बल मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, कंपास नीडल, राउंड मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट एक्सेट्रा। यानी अनुप्रयोग के आधार पर हमारे पास डंबल चुंबक, रिंग चुंबक, बार चुंबक, घोड़े की नाल चुंबक, कंपास, सुई, गोल चुंबक, गोलाकार चुंबक आदि हैं। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है बच्चों, कि देयर इज ए मैग्नेट विदाउट पोल्स इज कॉल्ड ट्रॉयड, हुज नॉर्थ एंड साउथ पोल आर जॉइंड। यानी विरोध ध्रुव वाले चुंबक को ट्रॉयड कहते हैं, जिसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जुड़े होते हैं। फिर क्या कहते हैं बच्चों, मैग्नेट्स आर नेचुरली अवेलेबल अर्थ एंड कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली फॉर यूज़। यानी चुंबक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पृथ्वी और इन्हें उपयोग के लिए कृत्रिम रूप से भी तैयार किया जा सकता है, जैसा कि हम पढ़ेंगे आगे आने वाले समय टाइम में बच्चों विद्युत चुंबक के बारे में। अब इंटेक्स का क्वेश्चन बच्चों, आपका एक क्वेश्चन है, जरा उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। यानी बार चुंबक के पास लाने पर कंपास सुई विक्षेपित हो जाती है। तो होता क्या है बच्चों, द कंपास नीडल इज ए स्मॉल मैग्नेट, व्हेन द कंपास नीडल इज ब्रॉट क्लोज टू द बार मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ द कंपास नीडल इंटरेक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ द बार मैग्नेट विच कॉजेज द कंपास नीडल टू डिफ्लेक्ट। यानी कंपास की सुई एक छोटे चुंबक है, जब कंपास सुई को बार चुंबक के करीब लाया जाता है तो कंपास की सुई की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ बार चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ परस्पर क्रिया करती हैं, जिससे कंपास सुई विक्षेपित करने लगती है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पे होती है ये वाला वीडियो आपकी कंप्लीट, और आपका ये वाला वीडियो का पार्ट भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।